Subscribe and click the bell icon for television updates. ये भाई थोड़ा पीछे आ जा, तो हर बार आगे जा रहा है। कौन है भाई? आईफोन चलेगा आज के कैमरे से पीछे जो लोग रहते हैं ना ज्यादा स्मार्ट होते हैं, कैमरे से आगे आ जाए सर, आज आ जाओ मेरे भाई। पहले कुछ बातचीत करते हैं, फिर अच्छा हल्दी खाते भी थे चलो गौतम दादा बैठो बैठो बैठो। बैठने दे भाई, इतना बोल रहा हूँ बैठने को, फिर भी नहीं बैठते भाई। मैं आज थोड़ी आया हूँ, हर चीज चाहिए। मैडम आपके गाइस फोटो हो गया, प्लीज बैठे हो। अभी बैठ, अभी फोटो आपकी है तो सामने जा। मेरा याद नहीं बैठ रहा है भाई, बाकी लोगों को क्या बोलूं। ठीक है रे, ठीक है रे, चलो बैठ जाओ। वाटी कैन आज का दत्ता का वाटी कैन। सब सुबह से बहुत मेहनत की है, काजू बादाम खा के जाने हैं। नीचे आ गया, घूम तो लगता है क्या रेडी? शादी वाले लोग को बुलाए भाई, शादी वाले का जैसा ही काम कर रहा है। चालू करो भाई, मैं गुटका भरा है। गुटका पहला पॉइंट वो था कि हम लोग कैसे कर सके। जब मेरी राजेश जी से मेरी बात हुई तो हमने बोला यार चीज़ें तो लोग बहुत बनाते हैं, प्रोडक्ट्स बहुत बनाते हैं, लेकिन हम इसमें सोसाइटी में भला कैसे करें। तो पहला वो पॉइंट था, जब वो एड्रेस हुआ तब उसके बाद ये जर्नी आगे बढ़ी और आज हम आपके सामने हैं। बट आप देखेंगे जब नेक्स्ट टाइम हम लोग मिलेंगे 4-6 महीने बाद, तो वी वुड लव टू शेयर कि इससे इससे क्या क्या योगदान मिला सोसाइटी का। जो आपने बोला कि लर्न अर्न रिटर्न है, मैं इसको थोड़ा रिवर्स करता हूँ। मुझे लगता है रिटर्न पहले होना चाहिए, पहले आप सोचें कि हमें रिटर्न करना है, एंड दैट्स द बिगेस्ट लर्निंग, और फिर अर्निंग अपने आप आनी शुरू हो जाती है। सो मेरा ये है, मैंने अपने पिछले कुछ समय तो हमने लैपटॉप्स दिए, अगर मैंने मोबाइल फ़ोन्स की ऐड की, हमने करीबन 5,500 स्मार्टफोन्स दिए, मैंने जो जो चीज़ें करता सील का किया, तो हमने ई रिक्शाज बांटे। सो मेरा आइडिया ये था कि पहले हम सोचें कि रिटर्न कैसे कर सकते हैं सोसाइटी को, और फिर उसके बाद ये सबसे बड़ी लर्निंग थी। और अर्निंग तो फिर अपने आप ज़िंदगी में बोलते हैं ना कि दुआएँ आपको भेजती हैं, आप खुद नहीं कुछ कर सकते। सो जो सौंदर्य ड्राई नट्स की जर्नी भी वहीं से है कि हाउ वी कैन रिटर्न बैक टू द सोसाइटी, एंड उनकी दुआएं अपने आप ऑन करवा देंगी, कोई फर्क नहीं आती। दिस इज जस्ट द बिगनिंग। यस, थैंक
टूथपेस्ट के ऊपर किसी की फोटोग्राफ वो होता है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी इंडिविजुअल टू चूज द ब्रांड. लाइक देखिए उसमें गलतियां भी होगी, ऐसा नहीं मैं बोलता कि लोग सब हर बंदा सही करते हैं, लेकिन आपकी इंटेंशन सही होनी चाहिए कि यार मैं जब ये चीज़ को चुनता हूँ हाँ ये सही है, ये अच्छी चीज़ देंगे, मेरे पे विश्वास देखे लोग इसकी ये पैकेट खरीदेंगे. और उसके अंदर जब प्रोडक्ट को टेस्ट करेंगे तो खाते समय ये बोलना चाहिए अरे यार सोनू ने क्या यार नट्स खिलाए, ऐसे बादाम सोनू ने खिलाए ना और कहीं नहीं खिलाए, पेरेंट्स अब क्या वो होना चाहिए. तो दैट्स आइडिया. सुनो जी, जी अब हम यंगस्टर्स की मैं बात करूँ तो काफ़ी लोग नट्स के जगह प्रोटीन लेते हैं, उन सारे यंगस्टर्स को आप क्या मैसेज देना चाहोगे एज अ एक्टर एज अ एंटरप्रेन्योर? देखिए आजकल जो अवेयरनेस है लोगों में यंगस्टर्स में बहुत ज़्यादा है. यू नो आप सोशल मीडिया पे देखिए, यू नो आप एक क्लिक करें आपको सब पता चल जाता है क्या खाना नहीं खाना. उनको पता है क्या खाना नहीं खाना, पर ये जो चीज़ें हैं ये हमारे हमारे सिस्टम का हिस्सा है. ये हमारे दादाजी हमारे फादर को खिलाते थे, फादर ने हमें खिलाया और मैं अपने बच्चों को खिलाने की कोशिश करता हूँ. पर ये इम्पॉर्टेंट ये है कि जो ये जर्नी है ये चलती रहनी चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आने वाले सोशल मीडिया की दुनिया के अंदर जो आने वाली जनरेशन खो जाए कि यार वो कहीं प्रोटीन्स के अंदर घूम जाए और जो एक्चुअल रियल चीज़ें हैं उसको बैक सीट पे ले जाए. सो दैट्स द आइडिया टू स्प्रेड द अवेयरनेस कि वो जो चीज़ें आप ले रहे हो वो ज़रूरी हैं पर ये थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूरी हैं, इसको लेना ज़रूरी है. सो वी जस्ट वॉन्ट दीज थिंग्स टू बी अ पार्ट ऑफ द लाइफ स्टाइल. सो आई थिंक दैट्स द आइडिया दैट वी वॉन्ट टू स्प्रेड कि आप अपने पैकेट रखा अपने जिम के बैग में रखा, आपको भूख लगी है यू फीलिंग लो, थोड़े से बादाम निकाले खा लिया. भाई इंटरव्यू ले रहे हैं, भाई पकड़ा हुआ है, भाई कैसे कैसे हो रहे हैं, बीच में लो हुआ माइक रखा थोड़े से बादाम खाए, चार क्वेश्चन ज़्यादा आ जाएंगे फिर उसके बाद सैलेब अपने आप फंस जाएगा आपके चक्कर के अंदर कि यार ये देख और बोलेंगे कि कहाँ से यार सोनू सूद के बादाम खा के आएगा, आज क्वेश्चन बड़े आ रहे हैं आपके पास. दैट्स द फर्स्ट पॉइंट वी हैव थॉट कि हमें प्राइस जो रेंज है एक उस देखिए क्या रहता है कि कुछ लोगों के माइंड में साइकी होती है यार महंगा होगा तो अच्छा होगा, ये भी बहुत रहता है अरे महंगा वाला दो तो अच्छा है. पर बहुत सारी जो सेगमेंट्स बहुत सारे लोग जो आजकल बोले उनको अच्छा चाहिए एट द राइट प्राइस. सो जब हमने शुरुआत की थी मुझे याद है कि राजेश भाई ने बहुत होमवर्क किया था कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्या क्वालिटीज़ हैं उसके क्या प्राइस रेंज है. हमारी कोशिश ये थी कि उनसे बेहतर क्या दे सकते हैं और उनसे कम प्राइस में कैसे दे सकते हैं ताकि अगर आप क्वालिटी टेस्ट करें आप बोलेंगे यार हाँ उससे बेहतर था, प्राइस बात करें अरे यार उससे कम था. सो दैट्स अ आइडिया टू कीप द प्राइस राइट एंड प्रोवाइड द बेस्ट ऑफ क्वालिटी इन दैट थिंग. अरे रवि जी को बुलाओ, रवि जी किधर है रवि जी? Yeah, you know, I think the biggest and the most important message that I want to give during Diwali is, खुशियाँ तो दिवाली में घर पे आती ही आती हैं, पर इस बार दिवाली को और स्पेशल बनाइए दूसरों के घर में खुशियाँ देख के. यू नो आई थिंक वी हैव टू मेक समवन एल्स दिवाली वेरी स्पेशल एंड आई थिंक दैट विल मेक आर दिवाली स्पेशल. सो आई थिंक दैट्स द आइडिया टू बिगिन विद कि इस बार दिवाली किसी और के लिए मनाते हैं. सो आई थिंक दैट्स राइट, करनी ज़रूरी है बॉस. या अरे तू पूछ रहे हैं, अरे माइक दो भैया, माइक दो माइक. अच्छा माइक पे करेंगे, ठीक है माइक पे. बाय, हो गया थैंक यू, हो गया शुरू करें. ठीक है सोनू जी ने इतना कुछ कह दिया है. एक्चुअली यू नो एवरीबडी नोज हम लोगों के पिताजी पर दादाजी सबने ये चीज है बट ने इसको इतने इमोशन से जोड़ के और इसका इतना महत्व तो बता दिया कि बिना इसको बिगाड़े ये चीज़ जो सब कुछ दे सकती है आज कितने भी प्रोटीन बार बोलो ये बोलो बट ओरिजिनल यही है और हर आदमी अफोर्ड कर सकता है. और कितने सवाल आप लोगों ने जो पूछे सच में ये हम लोगों की सबकी फिलोसफी और इथोस और प्रिंसिपल के साथ जाता है एंड देट इज़ अ मोस्ट वंडरफुल ट्रू पार्टनरशिप कैन बी फॉर. Okay.